नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा प्लान है 22x35 का एरिया 770 स्क्वायर फीट है, जिसमें मैंने 3 BHK का हाउस प्लान डिजाइन किया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या क्या फैसिलिटी दिया गया है। तो सबसे पहले तो एक विलेज हाउस प्लान यानी कि गांव के लिए घर का नक्शा है, गाँव के लिए 3 कमरे का घर का नक्शा है। और ये ईस्ट फेसिंग हाउस प्लान यानी कि पूर्व रुखा मकान है, ये 12 कॉलम पर स्थित घर का नक्शा है। तो चलिए दोस्तों, मैं इसका सबसे पहले डायरेक्शन बता देता हूँ। तो ये ईस्ट डायरेक्शन हो जाएगा, ये साउथ हो जाएगा, ये वेस्ट हो जाएगा और ये नॉर्थ हो जाएगा। तो इस प्लान का जो है बरामदा यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे आपका बरामदा हो जाएगा, क्योंकि गांव में जो है बरामदा ज़रूरी रहता है। तो ये बरामदा है 11 फीट बाई 6 फीट का हमारा बरामदा, यानी 11 फीट जो है चौड़ा मिलेगा, 6 फीट गहराई मिलेगी। बरामदा के बाद आते हैं अपने मेन डोर पर। तो मेन डोर की जो चौड़ाई है 4 फीट रखी गई है। मेन डोर से एंट्री करेंगे आपको यहाँ पर ये वाला एरिया पैसेज एरिया हो जाएगा, जिसकी चौड़ाई 4 फीट 8 इंच की है। इसके बाद हमको यहाँ पर गेस्ट रूम मिलता है। ये गेस्ट रूम का जो साइज़ है ये रहेगा 9 फीट चौड़ा, 11 फीट गहरा। आउटर वाल की मोटाई जो है 9 इंची का रखा गया है, इनर वाल की मोटाई 5 इंच का रखा है। उस हिसाब से मैंने इस प्लान का साइज लिखा है दोस्तों, तो बने रहिएगा इस वीडियो में। इसके बाद आते हैं अपने सेकंड बेडरूम में। सेकंड बेडरूम का जो साइज़ है 9 फीट चौड़ा, 10 फीट 8 इंची गहरा मिलेगा ये वाला बेडरूम। तीसरा वाला बेडरूम जो है 9 फीट चौड़ा, 11 फीट गहरा मिलेगा। तीनों बेडरूम का साइज हो गया। अब आते हैं अपने लॉबी में। तो लॉबी की जो यहाँ से टोटल गहराई है, यहाँ से पूरा यहाँ तक जो गहराई ये रहेगा 15 फीट 8 इंची का, और यहाँ से जो यहाँ तक की गहराई ये रहेगा 7 फीट 4 इंची का। और ये जो लॉबी की जो चौड़ाई है ये रहेगा 11 फीट चौड़ा हमारा लॉबी रखा गया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 11 फीट है, काफ़ी स्पेशियस जगह मिल रहा है। यहाँ पे डाइनिंग एरिया की तरह यूज होगा ये वाला एरिया। इसके बाद आते हैं अपने किचन में। तो किचन का जो साइज़ है ये रहेगा 6 फीट बाई 8 फीट का हमारा किचन हो जाएगा। इसके बाद चलते हैं किचन के बाद, हमारा ओपन किचन है, यहाँ पे देख सकते हैं डोर वगैरह नहीं लगाया गया। इसके बाद पीछे के साइड में चलते हैं तो हमको यहाँ पे स्टेयर दिखाई देगा, क्लॉकवाइज स्टेयर वास्तु के अनुसार डिजाइन किया गया है। प्रत्येक स्टेयर जो है 3-3 फीट चौड़ा, यहाँ से देख सकते हैं चौड़ाई जो है इसकी 3-3 फीट की गई है। इधर होते हुए आप यहाँ पर छत पर चढ़ जाएँगे इधर पर, और ये जो स्टेयर की टोटल गहराई ये रहेगी 11 फीट की, यानी ये वाली जो गहराई है 11 फीट है। इसके बाद आते हैं अपने दूसरे स्टेयर के बगल वाले एरिया में। तो ये हमारा कॉमन टॉयलेट एंड बाथ हो जाएगा। इसका रास्ता जो है यहाँ से जो है ऐसे जो है लॉबी से ही अटैच है, और लॉबी से ही अटैच आपका यहाँ पे देख सकते हैं बेडरूम भी मिल जाएगा। तो ये जो कॉमन टॉयलेट एंड बाथ है, इसका साइज़ मैंने 8 फीट गहराई रखा है, 4 फीट 8 इंची चौड़ा रखा है। तो दोस्तों ये रहा सबका साइज। तो इसमें जो टोटल कॉलम का यूज किया गया है, तो इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कॉलम का यूज किया गया है। और ये रेड कलर वाला जितना भी देख रहे हैं सारे कॉलम पोजीशन है। तो आप देख सकते हैं इस प्लान को। तो कैसा लगा आज का प्लान कमेंट में बताइएगा, और इस तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।